हेलो एवरीवन, एजु रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप DSSSB, PRT, TGT, PGT या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, क्या इसकी स्ट्रेटजी हो, बुक्स कौन सी लें, टाइम टेबल कैसे बनाएं और मेनली PRT के लिए कंप्लीट सिलेबस है क्या। सेक्शन ए का सिलेबस तो आपको हर जगह मिल जाता है, आज हम सेक्शन बी के सिलेबस की भी बात करने वाले हैं और मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे किया। और आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना जो मैंने की थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स से जो आपको फॉलो करने मस्ट हैं। पहला पॉइंट है एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस इज मस्ट टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। हाँ जी, सिलेबस का आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आ क्या क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है। जब फ्रेंड्स मैंने तैयारी की थी तो कोई भी बुक परचेज से पहले मैंने PRT के कंप्लीट सिलेबस की एक हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकलवाए और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और जैसे जैसे मेरे सिलेबस के टॉपिक होते जाते थे, उन टॉपिक्स को जो मैंने प्रिंट कॉपी निकाली थी उस पर मैं हाईलाइट करती जाती थी। इससे आसान हो जाता था तैयारी करना, पता चल जाता था कि आपका सिलेबस कितना हो चुका है और कितना पेंडिंग है। और हमें उस सिलेबस से ये भी पता चल जाता था कि कौन से टॉपिक को हमें कितना टाइम देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ऐसा टॉपिक जो पेपर में आना सिर्फ 2 से 3 मार्क्स का होता है, हम उससे दिन के बहुत सारे घंटे दे देते हैं। बेसिकली हमें सिलेबस जो भी है उसका सबका बेस जो लेवल है उसको क्लियर करना मस्ट है, उसके बाद हम उसका एडवांस पार्ट करें तो बेहतर होगा। और रही बात PRT के सिलेबस की, तो हम उसके बारे में आगे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो है फॉलो द टाइम टेबल। फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाना बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने टाइम टेबल में कंसिस्टेंट नहीं हैं तो यही चीज़ आपकी स्टडीज़ में एक हैम्पर यानी कि एक रुकावट या फिर एक बाधा की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इट्स बेटर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज़। पॉइंट नंबर 3, डेली सेक्शन वाइज टाइम एलोकेशन। हाँ जी फ्रेंड्स, डेली आपको आपके ही अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट का टाइम एलोकेट करना है, बिकॉज किसी भी एक सब्जेक्ट में कमी आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन रुकवा सकती है। इसलिए हर सब्जेक्ट का आपको टाइम एलोकेट करना ही पड़ेगा और देखिए किस सब्जेक्ट को कितनी देर या कितना टाइम देने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही आप अपना सेकंड पॉइंट जो कि टाइम टेबल फॉलो करने का था उसको रेडी कीजिए, मतलब एक टाइम टेबल रेडी कीजिए। आप 2 तरीके से टाइम टेबल बना सकते हैं। पहला एक कि वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा व स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अपना कम टाइम देकर, या फिर दूसरा ऐसे अगर आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग यानी जो सब्जेक्ट जितने भी मार्क्स का आना है, अगर ज़्यादा मार्क्स का आना है तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए और कम मार्क्स का आना है तो उसको कम टाइम दीजिए। तो इस तरह से आप अपना डेली का एक सेक्शन वाइज टाइम जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। हम आपको आगे पूरा टाइम टेबल बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह से मैंने टाइम टेबल बनाया था और वो मेरे लिए कितना एडवांटेजियस रहा था। तो मैं मतलब वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे, तो प्लीज़ इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है नीड टू वर्क ऑन वीक एरियाज। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसको एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट कीजिए, क्योंकि कमी आपकी किसी भी एक सब्जेक्ट में नहीं रहनी चाहिए। अगर आप अपनी कमियों को खुद ही जानेंगे और उस पर वर्क करेंगे तो आप उसको जल्दी से जल्दी ही रिमूव कर पाएंगे। तो जैसे कि कविता भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आप सभी ने सुनी है। उसका एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो फ्रेंड्स, जितनी जल्दी आप अपनी कमी को रिमूव करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सारे सब्जेक्ट्स भी स्ट्रांग होने वाले हैं और आपका ये एग्ज़ाम भी क्लियर होगा जिसके लिए आप इतने डिटरमाइंड होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और आप गवर्नमेंट जॉब लग भी जल्दी जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। जितना हो सकता है मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। आप जितना भी मॉक टेस्ट देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बिल्डअप होने वाला है, और गिवन टाइम में आप इजीली अपना मॉक टेस्ट या फिर जो एग्ज़ाम होगा आपका वो सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज़ मस्ट फॉर एवरीवन, नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू क्रैक द एग्ज़ाम। मॉक टेस्ट आप हमेशा स्टॉपवॉच या टाइमर के साथ ही देना, ताकि आपका जो एग्ज़ाम देते वक्त थोड़ी सी भी टाइम की कमी होने वाली हो वो पहले से ही रिमूव हो जाए। और मस्ट है जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसको रिवाइज़ करना, उसकी रिवीजन करना। पूरे दिन में भले ही आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, पर ऐसा दीजिए कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसमें आपके मार्क्स में कोई भी डिडक्शन ना हो। दिस पॉइंट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 6, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। यस फ्रेंड्स, दिस इज़ मस्ट टू डू, बहुत ज़रूरी है ये करना, बिकॉज यही शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपकी लास्ट डेज की जो प्रिपरेशन रह जाती है उसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो जो भी आप रिवाइज़ करते हैं, कुछ भी नया सीखते हैं, जब आपको एक टाइम ऐसा आता है कि भाई लास्ट टाइम में इसकी नीड पड़ेगी एक बार देखने की, तो उसको आप कहीं भी एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, कुछ पेजेस ले लीजिए, वहाँ पर लिख सकते हैं, वही आपके शॉर्ट नोट्स कहलाते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में कुछ टाइम पहले जो है उसको एक बार गो थ्रू कर लें। तो फ्रेंड्स, ये बात थी रिगार्डिंग सम टिप्स टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। अब अगर बात की जाए कि हाउ आई क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम, तो फ्रेंड्स सबसे पहले टाइम टेबल मैंने कैसे बनाया था तो वो डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत पुरानी पिक है, ड्यूरिंग व्हेन आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम, तो मैं कुछ करती ऐसे थी कि भाई डे वाइज जो थे ना अपने टॉपिक्स को एलोकेट कर देती थी। जैसे कि देखिए, हाँ मैंने फर्स्ट डे क्या एलोकेट कर रखे हैं, एक मैंने जीके की कोई वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी, वो डेली की एक देखती थी, जिस दिन कभी दो देखती थी। ऐसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट को मैं मतलब डेली करती थी। उसके बाद जो भी मेरी घटना चक्र थी उसके मैंने पेजेस डिवाइड कर रखे थे। एमबी पब्लिकेशन की मैंने इंग्लिश की बुक ले रखी थी, प्लिंटो पैरामाउंट भी करती थी जिसमें से जो हमारे आइडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, वोकैब हो गई, ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने अपने नोट्स बना रखे थे तो उसको मैंने पहले आई थिंक कर दिया था। उसके बाद जैसे रीजनिंग थी, मैथ्स था, करंट था, तो मैं इसको डेली कर देती थी, और पर्टिकुलर हर दिन मैं उसके ना वीकली बना देती थी, और हर दिन मैं उसका थोड़ा डिस्कस मतलब एलोकेट कर देती थी कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, और जो मेरा सब्जेक्ट या टॉपिक होता जाता था उसको मैं हाईलाइट कर देती थी। बाकी रिमेनिंग जो होता था वो मैं मतलब नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग स्टार्ट ही उस दिन कर लेती थी। कोई कोई दिन ऐसा भी जाता था कि जिस दिन मेरा जो सिलेबस था डे का वो टाइम से पहले ही फिनिश्ड हो जाता था, मैं नेक्स्ट डे का स्टार्ट कर देती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि पूरा सिलेबस में से 70-80% हुआ है, 20% अभी भी रिमेनिंग है, तो मैं उसको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में पहले ख़त्म करती थी, फिर नेक्स्ट डे का स्टार्ट करती थी। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, किस टाइप से पेपर आएगा। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, कुल मिलाकर 6 सेक्शन आपके हैं। पहला जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें मैथमेटिक का पोर्शन आता है, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और लास्ट वन इज़ टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं कैरिंग 20 मार्क्स ईच, और ऐसे ही सेक्शन बी होता है जो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें साइको भी आती है, चाइल्ड पेडागोजी भी होती है। तो इसके सिलेबस को देखिए कैसे गिवन है। सेक्शन ए का सबसे पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा कंटेंट आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके मस्ट है, करिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जैसे कैपिटल स्टेट्स हो गई, करेंसीज वगैरह हो गई,
प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, सीएम वगैरह, ये आपके लिए मस्ट हैं, ये ज़रूर करिए। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आप कोई भी चैनल चूज़ कर सकते हैं और अपने डेली के 10 मिनट्स आप करंट अफेयर्स को दे सकते हैं। और पिछले 6 महीने का एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना करंट अफेयर्स रेडी कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है सेकेंड पार्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एंड दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, ये सब जो हैं ये आपके टॉपिक्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं। मेन आप इसमें देखिए, कैलेंडर हो गया आपका, डाइस हो गया आपका, क्लॉक हो गया, तो ये सारे ज़रूर करिए। आपका यही जो टॉपिक है वही सीखने के हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स कराएंगे, लेकिन वैसे आप मॉक टेस्ट जितने भी देंगे तो आपका ये सारा सिलेबस उसी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है सेक्शन ए का जो पार्ट है वो है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स, जिसमें है आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंजुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल एंड ग्राफ्स। आपको पीआरटी के लिए ये सारा ही कंटेंट, ये सारा ही सिलेबस रेडी करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, क्लॉजेज वगैरह भी हो सकते हैं फिलअप्स की फॉर्म में, ग्रामर, ग्रामर में आपके वर्ब, टेंसेज, वॉइसेज, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक एडवांस्ड वर्ब भी होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शंस, ये सब आ जाता है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, आपकी वोकैब हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, तो ये सब करना आपको मस्ट है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में देखिए, आपके सारे ग्रामर के टॉपिक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लकोक्तियाँ, कहावतें, गद्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, आपके भाषा, व्याकरण, जो भी आगे होता है, स्वर, व्यंजन, ये सब आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस था, ये आपका पूरा जो है ओवरऑल सेक्शन ए का ही सिलेबस है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के सिलेबस की। तो जैसा कि आपने देखा था, 16-17 या 1-18 एडवर्टीजमेंट वाला जो लास्ट पेपर था 2017 वाला, उसमें NIOS की बुक से ऑलमोस्ट कंटेंट लिया गया था। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको साइको के लिए या सेक्शन बी के लिए रेडी करनी ही पड़ेंगी PRT के स्टूडेंट्स को, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ मैं जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो मैंने क्या किया था, अपनी नोटबुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से एक पार्ट का इंडेक्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें पहला टॉपिक था शिक्षण विधियाँ। जिन शिक्षण विधियों में 2 पार्ट यानी टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड विधियाँ लाई गई थी, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन निगमन जिसे इंडक्टिव डिडक्टिव बोलते हैं, और किंडरगार्टन विधि हो गई, डिस्कवरी मेथड हो गया, रीजनल टीचिंग मेथड हो गया, ये सारी विधियाँ इनके अंदर आती हैं। उसके बाद है शिक्षा अर्थ और विशेषताएं, शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, एक अच्छे अध्यापक के गुण क्या होने चाहिए, उसके बाद एक अच्छे शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है, क्यों हम एक अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन होते हैं जो किसी उसमें पहली बार स्कूल में जाते हैं, किसी भी घर में तो वो उन्हें प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहा जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, अधिगम का निर्माणकारी उपागम क्या था, कंसेप्ट मैपिंग, क्रिएटिव राइटिंग, फंक्शन ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या है, उसके फंक्शन क्या है, सोशल इंक्वायरी ऐप क्या है, बाल साहित्य यानी चाइल्ड लिटरेचर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, मिड डे मील जैसे MDM बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, ऑडियो विजुअल एड्स क्या क्या यूज़ होती हैं स्कूल में, करिकुलम यानी पाठ्य चर्चा हो गई, लेसन प्लान हो गए, टाइम टेबल हो गया,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। फेसेस एंड लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्या होती है, उसके क्या फेसेस हैं, क्या लेवल हैं, शिक्षा का व्यवहारात्मक उद्देश्य क्या है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन भी एक टॉपिक है उसके बारे में, इवेल्यूएशन, टोली शिक्षण, यूनिट प्लान, यशपाल की समिति के जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जिसे MLL भी बोला जाता है, एक्शन रिसर्च थ्योरी क्या है, PIL यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक थ्योरी है, पर्सनालिटी दो टाइप की होती है ए और बी उसके बारे में, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट क्या है, असेसमेंट, इवेल्यूएशन ये सब, बैकवर्ड चाइल्ड, सोशलाइजेशन, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म ये सारे इंडेक्स वन में हैं। अब इंडेक्स टू जो था वो मैंने बनाया हुआ है, जो हमारी साइकोलॉजिस्ट थे, जो कुछ पर्सनालिटीज़ थी उनके बारे में, और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन बीच में मैंने डाल रखी हैं ये सब। देखिए थॉर्नडाइक, ब्रॉफेनब्रेनर, जोसेफ रेंजुली, डेविड मैकलैंड, ERG की थ्योरी, वी रूम्स, थॉम्सन, और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं बीच में, NCTE, SCERT, NCERT, RTE, SSA, NVS, NCF, DPEP भी है, OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वैसे। इसके अलावा DPEP तो हो गया, हमारा डाइट है, हमारा NVS है, हमारा UGC है, CABE है, NCERT, ये सब कुछ मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जो पर्सनालिटी, स्किनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये सब, कार्ल रोजर्स हो गया, अगस्ट कॉम्टे हो गया, एक पास मॉडल भी आया था, आर्थर जेम्स, फ्रांसिस गेल्टन ये साइकोलॉजिस्ट हैं, जोसेफ रेंजुली ऊपर भी था, हैविंग हर्स्ट हो गया, कैटल हो गया, हरमन एबिंग हर्स्ट हो गया, PE वर्नन हो गया, टॉलमैन, ऑसुबेल, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, JP गिलफोर्ड, ये सारी थ्योरियाँ इन सब की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये सारी टॉपिक जो हैं वो भी अगर आपको करने हैं मेरी नोटबुक से करने हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, अगर खुद से करने हैं तो आप किसी भी बुक से ये सारे टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद देखिए एडगर डेल, कॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस है, IPO है यहाँ पे, अब्राहम मेस्लो, रॉबर्ट एम गैगने, जॉन डीवी, बेंजामिन लीवॉफ, डेविड कॉल्ब, सोलोमैन, अल्फ्रेड एडलर, कर्ट लेविन की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, गोल ओरिएंटेशन थ्योरी, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉरिसन, क्रेशमर, ब्लूम, सुखरात, जोन लॉके, प्लेटो, इमैनुअल कैंट, फिर एक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको करना ना भूलें, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, प्याजे, कॉलबर्ग, एरिक्सन, गार्डनर, थर्स्टन, गुत्ती, बेंडुरा, क्लार्कहल, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, इन सब के बारे में ज़रूर पढ़िए। और एक ये इधर भी है कॉलिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारी थ्योरियाँ ज़रूर करके जाएं। अब हम जो एक चीज़ और थी जो हम जो बेसिक है, साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इन सब के साइकोलॉजिस्ट कौन कौन स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आते हैं, कौन फंक्शनलिज्म, ये आई थिंक मैंने आपको किसी क्वेश्चन वाली जो वीडियो सीरीज़ हमने साइकोलॉजी की है उसमें मैंने आपको सारे बता भी रखे हैं। उसके बाद देखिए साइको एनालिसिस क्या होता है, साइकोसेक्चुअल क्या होता है, हॉर्मिक एंड कॉग्निटिव की परिभाषा, डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है, फिर मोटिवेशन है, मॉरल डेवलपमेंट, किशोरावस्था का मनोविज्ञान, लर्निंग, लर्निंग कर्व्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, करके ज़रूर जाइएगा, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी की भी पर्सन की पर्सनालिटी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, पॉजिटिव कौन सी, नेगेटिव कौन सी है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं और आपसे पूछेंगे कि ये डिफेंस मैकेनिज्म का कौन सा टाइप है, तो ये भी कीजिएगा। उसके बाद कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया है, ये टॉपिक भी, अटेंशन, इंटरेस्ट क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, थिंकिंग, एजुकेशन फॉर स्पेशल चाइल्ड, SOR मॉडल, मोटिवेशनल थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, और ये दो टॉम तीसवानी इंप्रूपिन भी आई थिंक किसी उसमें आई हुई थी। तो फ्रेंड्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का जो करना आपके लिए मस्ट है, ये करके ज़रूर जाइएगा, और कोई भी टॉपिक में अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए, मैं आपको
सारा मतलब उसका प्रोसीजर जो भी है उस पर कंटेंट पूरा अच्छे से प्रोवाइड कर दूँगी अपने ही नोट्स से और एक्स्ट्रा गूगल वगैरह करके भी। तो फ्रेंड्स ये तो बात थी सिलेबस की, तो अब हम बात करते हैं बुक्स की। आप किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक प्रेफर कीजिए, क्योंकि बुक के बिना एक तैयारी हमें ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं, यूट्यूब को आप कितना गो थ्रू कर लेंगे, तो इसीलिए बुक्स होना मस्ट है। मैं आपको बुक्स के बारे में बताती हूँ कि हिंदी के लिए कौन सी, इंग्लिश के लिए कौन सी, GS के लिए कौन सी, मैथ्स के लिए कौन सी, और या लास्ट साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, या मैंने कौन सी प्रेफर की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन बी की बुक्स के लिए, यानी साइकोलॉजी के लिए, चाइल्ड पैडागॉजी के लिए या पैडागॉजी के लिए। फ्रेंड्स आप इसके लिए एक सरोहा पब्लिकेशन की बुक आती है, जिन्होंने लास्ट टाइम 3 बुक्स निकाली थी, तो आप जिसमें से 2 मैंने आपको यहाँ दिखाई हैं और तीसरी भी एक ऐसी ही है, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, एक में MCQs हैं, एक में प्रीवियस पेपर हैं, तो ये तीनों बुक आप परचेज़ कर लीजिए, जिसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है साइकोलॉजी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, प्याजे, कॉलबर्ग, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, असेसमेंट, एवेल्यूएशन, थिंकिंग, लर्निंग, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आप ये तीनों बुक परचेज़ कीजिए, इनमें से टॉपिक पढ़िए, उसकी MCQs दीजिए और प्रीवियस पेपर करके देखिए। प्रीवियस पेपर को ही बार बार मतलब अच्छे से कीजिए, जब तक अच्छे से ना हो तब तक नेक्स्ट पे मूव ऑन मत कीजिए, और जो भी आपकी एरर है या जिस टॉपिक में भी आपको दिक्कत लग रही है उस टॉपिक को आप ज़रूर यूट्यूब से या किसी और अच्छी बुक से जो भी आपको लग रहा है वहाँ से ज़रूर कीजिए, और पूरा अच्छे से अपना सेक्शन भी प्रिपेयर कीजिए। बाकी अब बात करें सेक्शन ए की। सेक्शन ए में जैसे आपको पता है 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और हमारा GS और करंट अफेयर्स भी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट पे फोकस रहिए, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है और PRT के लिए मोर देन सफिशियंट है, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। पहले तो ग्रामेटिकल पोर्शन है, वर्ब, टेंसेज, वॉइसेज, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेज, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सारे आप टॉपिक बहुत अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो इसके साइनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से रेडी कीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और idiom phrases, इन्हीं में से हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है, लास्ट टाइम भी इन्हीं में से आया था, बस लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट गिवन है उसको करना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और कुछ क्वेश्चंस उसमें नए हैं और कुछ आपके दोनों पार्ट से ही लिए गए हैं, और आप इनके जो ग्रामर है उनके नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको बाद में पूरी बुक ना उठानी पड़े, शॉर्ट नोट्स से बनाकर रेडी कर लीजिए। और जो प्रीवियस पेपर हैं आप उनमें से तो इंग्लिश करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद मैथ्स की। फ्रेंड्स मैथ्स के लिए एक पैरामाउंट की अर्थमेटिक बुक आती है, आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें एक तो आपको सारा बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, उसमें शॉर्ट ट्रिक से ही उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस हैं उसमें जो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा नहीं है। वैसे बेसिकली होता क्या है कि लेडीज़ इस पेपर के लिए ज़्यादा प्रेफर करती हैं टीचिंग वगैरह के लिए, तो उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, तो उनके लिए उन्हें प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है, तो वो अर्थमेटिक वाली वो बुक परचेज़ करके उसके बाद जो मॉक पेपर्स हैं उनको लगाएं। आप जितने से ज़्यादा मॉक पेपर अटेम्प्ट करेंगे फॉर मैथ्स, आपका मैथ्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई और बुक की नीड भी है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं आप, तो किरण या फिर राकेश यादव, इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक एग्ज़ाम डेट आने वाली है, जैसे देखा जा रहा है कि TGT की डेट्स भी आ चुकी हैं और PGT के ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, तो पेपर हो सकता है काफ़ी पास हो, तो आप कोई भी छोटी सी बुक जैसे अर्थमेटिक हुई और प्रीवियस पेपर्स हैं साथ साथ अटैम्प्ट करते रहिए, आपका इजीली मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। वैसे भी मैथ्स PRT में इतना डीपली आता नहीं है, तो बाकी फ्रेंड्स आपके ऊपर है, आपको जो भी ठीक लगे आप वो बुक ले सकते हैं, बट प्रीवियस पेपर्स करना ना भूलें। अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात, तो वो है हिंदी, जिसके लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी यूट्यूब चैनल हो जहाँ पे हिंदी का अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया हो, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस भी हो जहाँ पर, तो आप उस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हिंदी में भी आते तो 20 क्वेश्चन हैं, कई बार गद्यांश पद्यांश वगैरह दे दिए जाते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश में से डाल दिया जाता है, जिसके लिए आप प्रीवियस पेपर्स
जरूर फॉलो कीजिए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य, ये सब आप कर सकते हैं। तो या तो कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, नहीं तो एक लूसेंट की बुक आती है, आप उसके क्वेश्चंस जो लास्ट में होते हैं कई बच्चे उसको छोड़ देते हैं, तो मेरा ये कहना है आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन उठकर भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो और उसके जो विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, इन सबको भी करना ना भूलें, क्योंकि इनमें से भी एक एक दो दो मार्क्स के पेपर में ज़रूर आते हैं। बाकी आप प्रीवियस पेपर्स उठाकर देख सकते हैं किस में से क्या पोर्शन आया हुआ है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका लेवल PRT के अकॉर्डिंग इतना हाई आता नहीं है, तो आप इसके लिए कोई भी प्रीवियस पेपर्स के जो मॉक हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो किसी ऐप में जो मॉक हमारे आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनको ही अटेम्प्ट कीजिए। पर जो दो तीन मेन टॉपिक हैं जैसे क्लॉक है, डाइस है, आप इनको करना ना भूलें, कैलेंडर है, इन ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ये आपका इजीली क्वेश्चन मतलब आपका टाइम थोड़ा सा बचा देती हैं। जैसे अगर पेपर आपको अच्छे से आता है तो टाइम की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बट फिर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए अटेम्प्ट आप ज़रा सोच समझ कर कीजिए, एक्यूरेसी ज़्यादा रखिए। अब हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर DSSBP PRT। बाकी अगर आपने अपने नोट्स रेडी कर रखे हैं और उन्हें ही करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर MCQs वगैरह के लिए आपको कोई ना कोई बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, तो घटना चक्र इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो आप उसके लिए ही जाइए। और उसके बावजूद आप मेन है आपका मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। वीडियोस में भी आप MCQs वाली कोई वीडियोस, जैसे हमने भी एक सीरीज चलाई हुई है जिसकी 19 वीडियोस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, उसमें हमने आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है, और उसके बावजूद जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो वो वीडियोस देखनी ना भूलें, वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी इन दोनों चीज़ों के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती और सबको नहीं मिलती, तो इसलिए अगर आपको सिलेक्ट होना है तो अपनी फुल डेडिकेशन के साथ हर सब्जेक्ट में अपनी अच्छी कमांड रखिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।